सीरियल नामकरण में देखने को मिलेगा बहुत सारा ड्रामा। सीरियल नामकरण में अवनी है काफी खुश क्योंकि दया हो गई है अरेस्ट और नील ने प्रॉमिस किया है कि वो दया के खिलाफ सारे प्रूफ कोर्ट में पेश करेगा। नील ने वादा किया है कि इस बार दया बच नहीं पाएगी और उसे उसके जुर्मों की सजा जरूर मिलेगी क्योंकि उसने आशा और आशीष को जान से मारा है। अवनी खुश हो जाती है अपने भाई अमोल से मिलकर और उसको लगता है कि उसका मिशन अब कंप्लीट हो गया है। अमोल भी दया के खिलाफ खड़ा होता है और देता है अपनी बहन अवनी का साथ। जब से उसे पता लगा है कि दया ही है उसके माँ और पापा की कातिल, अवनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो इतनी खुश है कि फाइनली उसको अपना भाई मिल गया है। रिया है काफी अपसेट क्योंकि उसका प्लान हो गया है पूरी तरह से फेल और उसने सोचा है कि वो अपना मास्टर कार्ड अली को यूज करके फिर से नया प्लान करेगी। रिया ने अली को अवनी और नील के खिलाफ भड़का दिया है और अली रिया की हाथ की कठपुतली बन गया है और उसकी मदद कर रहा है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है इस शो में। इस शो से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल नामकरण में देखने को मिलेगा बहुत सारा ड्रामा। सीरियल नामकरण में अवनी है काफी खुश क्योंकि दया हो गई है अरेस्ट और नील ने प्रॉमिस किया है कि वो दया के खिलाफ सारे प्रूफ कोर्ट में पेश करेगा। नील ने वादा किया है कि इस बार दया बच नहीं पाएगी और उसे उसके जुर्मों की सजा जरूर मिलेगी क्योंकि उसने आशा और आशीष को जान से मारा है। अवनी खुश हो जाती है अपने भाई अमोल से मिलकर और उसको लगता है कि उसका मिशन अब कंप्लीट हो गया है। अमोल भी दया के खिलाफ खड़ा होता है और देता है अपनी बहन अवनी का साथ। जब से उसे पता लगा है कि ही है उसके माँ और पापा की कातिल, अवनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो इतनी खुश है कि फाइनली उसको अपना भाई मिल गया है। रिया है काफी अपसेट क्योंकि उसका प्लान हो गया है पूरी तरह से फेल और उसने सोचा है कि वो अपना मास्टर कार्ड अली को यूज करके फिर से नया प्लान करेगी। रिया ने अली को अवनी और नील के खिलाफ भड़का दिया है और अली रिया की हाथ की कठपुतली बन गया है और उसकी मदद कर रहा है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है इस शो में। इस शो से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस। सीरियल नामकरण में देखने को मिलेगा बहुत सारा ड्रामा। सीरियल नामकरण में अवनी है काफी खुश क्योंकि दया हो गई है अरेस्ट और नील ने प्रॉमिस किया है कि वो दया के खिलाफ सारे प्रूफ कोर्ट में पेश करेगा। नील ने वादा किया है कि इस बार दया बच नहीं पाएगी और उसे उसके जुर्मों की सजा जरूर मिलेगी क्योंकि उसने आशा और आशीष को जान से मारा है। अवनी खुश हो जाती है अपने भाई अमोल से मिलकर और उसको लगता है कि उसका मिशन अब कंप्लीट हो गया है। अमोल भी दया के खिलाफ खड़ा होता है और देता है अपनी बहन अवनी का साथ। जब से उसे पता लगा है कि दया ही है उसके माँ और पापा की कातिल, अवनी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो इतनी खुश है कि फाइनली उसको अपना भाई मिल गया है। रिया है काफी अपसेट क्योंकि उसका प्लान हो गया है पूरी तरह से फेल और उसने सोचा है कि वो अपना मास्टर कार्ड अली को यूज करके फिर से नया प्लान करेगी। रिया ने अली को अवनी और नील के खिलाफ भड़का दिया है और अली रिया की हाथ की कठपुतली बन गया है और उसकी मदद कर रहा है। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है इस शो में। इस शो से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब अस।